अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुकुन काज़िम और हमें पाकिस्तानी ड्रामों को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे ड्रामों को देखिएगा ड्रामा सेंट्रल पे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। एक बात, हाँ कहो। मुस्कुराती राखो, जब तुम मुस्कुराती हो ना बहुत अच्छी लगती है। मुस्कुराना और हंसना हर किसी के नसीब में नहीं होता और ना हर किसी को रास आता। चलो फिर संजीदा हो गई तो क्या करूं, जिंदगी ने दुखी इतने दिए कि संजीदा होने के सिवा कोई और चारा ही नहीं है। मेरा बेटा कितने अरसे बाद हमारे दरमियान बैठा है। ये लो। हाँ बेटा, मैं तो आज पता नहीं कितने दिनों बाद इस स्ट्रेस से बाहर आया। इसको रूम से कौन बाहर लाया? ये मेरा घर है, क्यों नहीं आऊं मैं बाहर? हाँ हाँ भाई, तुम्हारा ही घर है बेटे। नहीं करो, नहीं करो, मैं गाना नहीं करो। तंग कर रहे हो मुझे, हा? क्यों तंग कर रहे हो? जान के तंग कर रहा है मुझे। क्यों तंग कर रहे हो मुझे? तंग कर रहा मुझे, तंग कर रहा मुझे, छोड़ो मुझे। जावेद, 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 आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, मेरे साथ आओ, शाबाश मेरे साथ आओ, आओ आओ, बैठो इधर, बैठो 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 मेरे बेटा, बैठो, रिलैक्स रिलैक्स मेरा बच्चा। लेके जाए इसको कमरे में। ओके ओके, अब बेटा, अब मेरा बेटा, अच्छा शाबाश, अच्छा 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 अच्छा। ये सब कहाँ चले गए? मुझे यहाँ कौन लेकर आ गया? के कोई, ये तो कोई अस्पताल है। साहब, अब काफी अरसे बाद इस तरह जावेद हमारे साथ बैठा हुआ था। अच्छा मूड था, अचानक पता नहीं इसे क्या हुआ, एकदम इसने मेरे दामाद पे हमला कर दिया। माम, आपका बेटा पागल हो चुका है, आप इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आज शमून को कुछ हो जाता तो आप तो चाहती हैं कि बस ये इस घर में रहें और हम सब जाकर पागलखाने में रहें। होश में आओ हुमा, तुम अपने भाई को पागल कह रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, आपने इसकी हरकतें नहीं देखी? ऐसे पेशेंट कभी भी किसी भी बात पर हमलावर हो सकते हैं और ये हमले जानलेवा भी हो सकते हैं। आप इन्हें मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि यहाँ रखकर आप इन्हें वो केयर नहीं दे पाएंगी जो इस वक्त इनके लिए जरूरी है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम अपने बेटे को पागलखाने नहीं भेज सकते। नहीं नहीं, मैं किस दिन से भेजूंगी इसे? नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब आप कुछ कीजिए प्लीज। मामा इसे उस वक्त तक पागलखाने नहीं भेजेंगी जब तक ये किसी का खून ना करते। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें कर रही हो? बहन होकर अपने भाई के बारे में ऐसा क्यों सोचती है? अरे दुआ किया करो उसके लिए, अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा। अभी ये सो रहे हैं, मैं एक मेल नर्स भेजती हूँ, जब ये जागेंगे तो वो इन्हें इंजेक्शन लगा देगा। इसे कहाँ रखना है इसका फैसला आप लोगों को जल्द कर लेना चाहिए। हेलो हेलो, इतनी देर लगा दी फोन उठाने में? कौन बोल रहा है? सज्जू बोल रहा हूँ। इतनी जल्दी भूल गई, सुबह तो मिली थी। सज्जू? हाय, तुम्हारे मुंह से कितना खूबसूरत लगता है मेरा नाम। ये बताओ तुम घर कब आओगे? जब तुम बुलाओ, अभी आ जाऊँ। मर्जी है तुम्हारी। बड़ी जल्दी है तुम्हें भाई। तो फिर कब आ रहे हो? अब्बू कहाँ है तुम्हारे? अब्बू अब्बू तो घर पर हैं। अभी नहीं यार, जब जब मिलेगा ना मुझे तब आऊंगा। चलो ठीक है। ये किससे बात कर रही तू? अब्बू वो इतनी सी होकर तेरे में पर निकल गया है। अब्बू ये रॉन्ग नंबर था। हेलो जाफर साहब हैं? हेलो हेलो, तेरी माँ को बताता हूँ। अरे हट, ये तबीयत की तेरी माँ। अरे हट चल। अब्बू प्लीज छोड़े ना सर। अरे चल माँ की तरफ चल। क्या हुआ तुम दोनों को? इस तरह मुंह लटका के क्यों खड़े हो? अब तो अब्बू भी ठीक हो गए। वो बता देना बच्चों को। हाँ इरशाद बताओ ना, सब खैर तो है? क्या बताऊँ, समझ में ही नहीं आ रहा काकड़ को क्या हो गया। एक दिन पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिवा हमारा कोई है ही नहीं, और अब ऐसा लग रहा है कि उसके सिवा कोई दुश्मन ही नहीं है। दुश्मन? हाँ हाँ दुश्मन, दुश्मन की तरह ही बात कर रहा है और धमकियां भी दे रहा है मुझको। वो बात ये है कि हाँ किसी ने उसको, शायद इसीलिए उसका रवैया ऐसा हो। देखो जो भी बात है, बात घुमा के मत करो, सच सच बताओ बात है क्या। नहीं नहीं बच्चों, वो काकड़ तो है ही खराब। अरे यार तूने वो मिसाल नहीं सुनी, कुत्ते को हड्डी डालो तो वो दुम हिलाता हुआ आता है, नहीं डालो तो वो काटने को आता है। ऐसी खसलत का है काकड़। ठीक कह रहे हो, इंसान की आदत बदल सकती है लेकिन उसकी खसलत कभी नहीं बदल सकती। मुझे तो वो इंसान भी नहीं लगता। तिरंदा अहमद, तुमने कुछ कहा? नहीं बजो, कुछ नहीं। चलो बैठो। इधर आओ, इधर आओ। अरे पूछो इससे, ये इस वक्त मोबाइल पे किससे बात कर रही थी? क्या हो गया फायजा, किससे बातें कर रही थी तुम? अम्मी वो रॉन्ग नंबर था। अरे रॉन्ग नंबर पे कोई इतनी देर बात करता है? मैं क्या करती अम्मी, वो बार बार कह रहा था कि आप झूठ बोल रही हैं, कोई रॉन्ग नंबर नहीं है। तो तुम फोन बंद कर देती ना। वही तो किया था, फिर अब्बू आ गए। अरे अब्बू आ नहीं गए, अब्बू ने रंगे हाथों पकड़ा इसको। अम्मी मेरा यकीन करें, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा वो ज़ैनब कहाँ है? तो आज आपको बड़े वक्त का ख्याल आ गया, आज आप जल्दी घर के आ गए। आपको ज़ैनब की फिक्र हो गई। कमाल है भाई, चित भी अपनी पट भी अपनी। अरे मैं पूछ रहा हूँ ज़ैनब कहाँ है? रुकैया के घर गई है बताकर, आती ही होगी। ये आजकल रुकैया के घर के क्यों चक्कर लग रहे इतने? वो बताकर गई थी और रुकैया मेरी दोस्त है। अरे सहेली है तो क्या हुआ, ये वक्त है उससे मिलने का। तुम दोनों जाओ जाओ अपने कमरे में, उन्हें तो बस ना आता है। हाँ, आज दोस्त नहीं मिले ना तो सारी भड़ास तुम दोनों पर निकालेंगे। जाओ अपने कमरे में। हाँ हाँ, मैं ही गलत हूँ, दुनिया में सिर्फ एक तुम ही ठीक हो। आपने तो बात करने से बेहतर है कि इंसान खामोश ही रहे। अरे भाई कर लो मनमानी, सारी जिंदगी यही करती आई है ये औरत। इस किस्म के लोगों की फितरत कभी भी नहीं बदलती। बिला सबब ये लोग एहसान भी नहीं करते और इनके एहसान भी कर्जे की तरह होते हैं। और ये तो वैसे भी सूदखोर है, सूदखोर अपना सूद खुद कभी भी नहीं छोड़ता। अभी तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ तेवर ही बदले। आगे आगे देखें होता है क्या। मुझे तो समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। ठीक कह रहे हो। और इरशाद, ये बातें तो होती रहेंगी। अम्मी कब से हॉस्पिटल में हैं? अब मेरे ख्याल में तुम्हें जाना चाहिए। हाँ जा रहा। वो अब्बू के लिए भी बांध दो खिचड़ी। हाँ मैंने बांध दी, मिलाती हूँ। देख रहे हो जावेद? दिलकश से बातें कर रहा हूँ। अच्छा क्या बातें कर रहे थे? ओहो, इसमें तो बहुत मिट्टी मिट्टी हो रही है बेटा। मैं फौजिया को बोलती हूँ कि इसे हटा के ले जाए यहाँ से और साफ करके। नहीं, ये यहाँ से नहीं जाएगी। इसी में तो मेरी जिंदगी, ये मेरे साथ ही यहीं रहती है। मैं इसे देखता रहता हूँ और ये मुझे। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं फौजिया को भेजती हूँ हाँ, जूस बनवा के। ठीक है हाँ। हेलो, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम नहीं आए। साहब जूस लाई हूँ आपके लिए। क्या कहा? टूट गई। मुझे माफ करना दिलकश, मैं तुम्हारी तस्वीर को गिरने से नहीं बचा सका। तस्वीर भी गिर गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, ऐसे जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं दिलकश के बगैर जिंदा नहीं रहना चाहता। जिंदा नहीं रहना चाहता। कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? अब्बू भी उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। आप लोगों ने पैसे का इंतजाम किया? नहीं डॉक्टर साहब। देखें, अगर आप लोगों को मरीज को यहाँ रखना है तो पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। वैसे हम पैसों का इंतजाम तो कर रहे हैं, है ना अम्मी? जी डॉक्टर साहब, आप इनका इलाज जारी रखिए, हम पैसों का बंदोबस्त करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है। अब हम क्या करें? बिना पैसों के तो वो अस्पताल में भी नहीं रख रहे हैं। ये गाड़ी कैसे चलेगी? एक बात बोलूं? हाँ बोलो। ये अहमद घुमा फिरा के क्यों बात कर रहा था? मुझे क्या पता। नहीं माला, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जो काकड़ वाली बात पता है आधी बताई है। नहीं तो मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी कुछ बच्चों? तुम्हें वहम हो रहा है। ये मेरा वहम नहीं है और तुम छुपा सकती हो। लड़की हो ना, लड़की डर के खौफसदा बहुत सारी बातें छुपा देती है। और तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम उतनी ही अजीज हो जिस तरह की चिड़िया। लड़की छोटी हो या बड़ी, मासूम होती है। जो क्या हो गया है? तुम ऐसे मुझसे क्यों पूछ रही हो ये बातें? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं माला, मेरे दिल में एक डर बैठा हुआ है। वो काकड़ तुम्हें हवस की नजरों से देखता है, और सारी बातें और फिर अहमद और इरशाद की बातें सुनकर परेशान सी हूँ। डर है मुझे। सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा बच्चों। तुम फिक्र ना करो, सब सही हो जाए। माला, ये तुम्हारे हाथ ठंडे क्यों हो रहे हैं? नहीं तो मेरे हाथ बिल्कुल ठीक है बच्चों, तुम फजूल के वहम कर रही हो।